निश्चित रूप से एक ये महत्वपूर्ण विषय होता है जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। इसके लिए हम किसानों को अपनी रक्षा समितियों के माध्यम से और संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से अवेयर करवा रहे हैं कि जहाँ एक ओर वो भी अलर्ट रहे, वहीं दूसरी ओर रक्षा समिति के लोग भी हमारे सक्रिय रहें और हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी बीट है वो भी सक्रिय रहें, ताकि किसी भी अवांछनीय ऐसे तत्व जो चोरी की वारदातें कर सकते हैं, घटना कोई कर सकते हैं, उन पर अंकुश लगा। हम एक और इनको अलर्ट कर रहे हैं जो अफीम उत्पादक है, वो अलर्ट रहें, कभी कुछ उनको ऐसा अवांछनीय मूवमेंट की जानकारी मिलती है तो तत्काल हमको सूचित करें। रक्षा समितियों के लोग, उस गांव के लोग उनको सक्रिय कर रहे हैं, प्लस हमारे बीट के कर्मचारियों को सक्रिय कर रहे हैं कि वो जाके वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे, देखेंगे, किसानों को समझाएंगे कि वो अपने फसल की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और हमारे कर्मचारी भी उसको सुनिश्चित करेंगे कि कहीं घटनाक्रम ऐसी बात नहीं हो। विगत 3-4 वर्षों से ऐसी बातें सामने आ रही है, अफीम डोड़े ले जाना या पूरा पेड़ ही उखाड़ ले जाना, या अफीम के जो चीरा लगा हुआ रहता है उसकी अफीम जो निकाल कर लेते जाते हैं, ऐसी कई बातें विगत सालों से आ रही है। हालांकि इस साल प्रशासन थोड़ी सी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और अभी से वो कुछ योजनाएं बना रहे हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अफीम की जो सुरक्षा की जहां बात आती है तो शासन को पूरी तरह से उसकी निगरानी के लिए पूरी एक योजना बनाकर, क्योंकि प्रशासन अगर ढिलाई बरतता है तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी अफीम, अगर एक दिन की अफीम भी अगर कोई लेकर चला जाता है तो उसका पट्टा कटने का खतरा भी उसके ऊपर मंडराने लगता है। साथ ही किसान स्वयं अपनी फसल की सुरक्षा कैसे कर पाए, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अफीम के जो काश्तकार हैं उनको शस्त्र लाइसेंस भी कहीं ना कहीं दिए जाने चाहिए।